हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर तबाही मची है। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और जगह जगह हो रहे भूस्खलनों से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भूस्खलन से बुधवार को 4 और मौतें हुई हैं। जानकारी के मुताबिक मंडी में 3 और चंबा में 1 मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में मानसून सीजन के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में भूस्खलन के चलते अभी भी 20 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। साइंटिफिक स्टडीज इस पे होनी है ताकि ये घटनाएं समय रहते हम कैसे रोक सकें, उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं घटित होने की संभावना है, उसमें रहते अगर हम कुछ कदम वहाँ पर उठा लें तो निश्चित रूप से कुछ बचाव उसमें किया जाए। जिलावार आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बिलासपुर में 14, चंबा में 28, हमीरपुर में 7, कांगड़ा में 28, किन्नौर में 43, कुल्लू में 18, लाहौल स्पीति में 20, मंडी में 25, शिमला में 40, सिरमौर में 28, सोलन में 21 और ऊना में 16 लोग अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। बुधवार को हमीरपुर में 7, कांगड़ा में 5, कुल्लू में 3, मंडी में 3, शिमला में 1 और सोलन में 1 सड़क यातायात के लिए बंद पड़ी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मानसून सीजन के दौरान नुकसान का आंकड़ा 794 करोड़ तक पहुंच गया है। लोक निर्माण विभाग को 494 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 221 करोड़ का नुकसान हुआ है।